हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के मेथड कौन कौन से हैं। ओके, तो फर्स्ट मेथड जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशियल मेथड। उसके बाद हाफ लाइफ मेथड, इंटीग्रेशन मेथड जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, और आइसोलेशन मेथड, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाला, डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड हिंदी में आप इसे जो है अवकलज विधि भी कहते हैं। ओके, ये सबसे पहले जो है वो 1884 में वॉन्टहॉफ द्वारा दिया गया था मेथड। वॉन्टहॉफ साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा सजेस्ट किया गया था 1884 में। क्या पढ़ते हैं हम इसमें? तो सिंपली जैसे कि जनरली हम कहते हैं रिएक्टेंट एक रिएक्शन में रिएक्टिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ओके, दो केस लेते हैं यहाँ पे कि जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C1 ली हो और जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C2 ली हो, ठीक है। उन दोनों केस में हम अलग अलग जो है वो रेट चेक करेंगे कि क्या होती है। तो जनरली हम जब रेट की बात करते हैं तो रेट को हम क्या कहते हैं, रेट को हम इस फॉर्मूला से लिखते हैं, ठीक है। रेट जो है रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यही होता है, राइट। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन है कांस्टेंट, राइट। तो अब हम कह रहे हैं कि जब हमने पहली कंडीशन ली है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C1 ली, तो एट C1 रेट क्या हो जाएगी, मैं लिखूं रेट को मैं स्मॉल R1 से लिख रही हूँ, और उस समय रेट को मैं लिखूंगी C1 की पावर n। सेकेंड केस है कि जब कंसंट्रेशन C2 ली गई हो तो उस केस में रेट क्या होगी, R2 और C2 की पावर n। ओके, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, मान लो कि इसको मैं देती हूँ 1 नंबर, 2 और ये 3। ओके, अब हमें करना है कि 2 को 3 से डिवाइड करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, R1 by R2 is equal to K C1 की पावर n K C2 की पावर n, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे डिवाइड करते हो, K से K तो कैंसिल हो जाता है, ये हमें मिलता है R1 by R2 is equal to C1 की पावर n by C2 की पावर n, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 4 के लॉग लेने पर, सॉरी इंटीग्रेट नहीं, लॉग लेने पर क्या होगा, यहाँ पे इसको लॉग लिया तो C1 by C2, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं n, ठीक है। अब जैसे ही हम नेचुरल लॉग लेते हैं, हम लिखते हैं ना कि पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है लॉग के, ठीक है। तो ये लॉग के आगे आ गई C1 by C2। ओके, इस तरह से एक इक्वेशन हमें मिली है यहाँ पे, राइट। अब एक सिंपल सा मैथमेटिक का रूल है कि अगर ln a by b लिखा हुआ है तो उसे आप ln a minus ln b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि ये ln R1 by R2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ln R1 minus ln R2, राइट। यहाँ पे इसे भी लिखते हैं हम C1 माइनस ln C2। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे ऑर्डर निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे n जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है ln C2 माइनस ln C सॉरी ln C1 माइनस ln C2 के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि n किसके बराबर होगा, n बराबर होगा ln R1 माइनस ln R2 बाय ln C2 सॉरी C1 ln C2। ओके, तो इस प्रकार से आप डिफरेंशियल मेथड द्वारा रेट किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, अब आप कहेंगे डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे कहीं हुआ ही नहीं है, ठीक है, अवकलन तो कहीं दिया ही नहीं है, हम कैसे कह रहे हैं इस मेथड को डिफरेंशियल। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, आप R1 और R2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो
तो हमने पढ़ा है जब भी हम किसी रिएक्शन के लिए कर्व लेते हैं तो किसके किसके बीच में कर्व लिया जाता है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, मान लो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन, हमने बहुत सारी रिएक्शन ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो है वो कर्व देखे हैं, तो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए मान लो कि इस प्रकार का कर्व मिलता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इस प्रकार का कर्व मिलता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, तो ये है मेरा हमारा यहाँ पे स्लोप। तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप किसके बराबर होता है, यहाँ पे डेल वाई बाय डेल एक्स के बराबर होता है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पे जो है डेल वाई किसके बराबर होगा, डेल वाई बराबर होगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये है मान लो कि ये इसे मैं कह दूँ स्मॉल सी वन और ये है मेरा स्मॉल सी टू। इसी प्रकार से इस एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज होगी वो किसके बराबर होगी, ये मान लो ये है मेरी टी वन और ये है टी टू। ठीक है, तो ये डेल वाई बाय डेल एक्स किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये बराबर होगा यहाँ पे सी टू सॉरी सी वन माइनस, ओके एक मिनट है ना, इसको ज्यादा सही से लिखती हूँ मैं। यहाँ पे इसे सी टू लिख लो और इसे सी वन लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा समझने के हिसाब से। ओके ये मैं लिखू सी टू और ये इसे मैं लिखती हूँ सी वन। ओके, तो यहाँ मैं कहती हूँ कि डेल वाई किसके बराबर होगा, सी टू माइनस सी वन के बाय डेल एक्स किसके बराबर होगा, टी टू माइनस टी वन के। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये क्या है आपका डिफरेंस है, एक तरह से क्या है डिफरेंस है, जिसे अगर बहुत छोटा डिफरेंस हुआ है या इनफाइनाइट सिमल या अति सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है तो आप उसे स्मॉल डी से भी लिख सकते हो यहाँ पे, और ये डी टी। ठीक है, इसे आप स्मॉल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डी टाइम, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। अब हमने कहा कि ये जो है हमारा कर्व जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप को आप जो है वो नेगेटिव में लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या मिला है यहाँ पे इस वाले कर्व से, स्लोप मिला हमें माइनस डी सी बाय डी टी के बराबर। ओके, अब हम कहे कि ये तो मैंने लिया है कंसंट्रेशन वन के लिए, इसी तरह से अगर मैं कंसंट्रेशन टू के लिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ लेती हूँ, ठीक है, तो वो भी इसी प्रकार से कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखू कि ये तो कंसंट्रेशन वन के लिए है, इस तरह से यहाँ पे अगर दूसरे केस में लू तो ये मेरा कंसंट्रेशन टू के लिए होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ से हमें मिलता क्या है, बेसिकली ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कर लिया गया था, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कर लिया गया था। ठीक है, कि टाइम के साथ जो है वो कंसंट्रेशन में किस प्रकार से चेंज देखा जाता है, तो बेसिकली ये भी क्या है यहाँ पे आर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को ही बता रहा है। ठीक है, तो इस आर वन और आर टू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस डी सी बाई डी टी, और आर टू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस डी सी टू बाई डी टी। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आप क्या लिखेंगे इसी फॉर्मूला को, ये इसे इक्वेशन नंबर दे दो 5, ये हमारी है 5 इक्वेशन और ये हमारी 6th। ओके राइट, अभी हमने क्या किया यहाँ पे, ये लिख दिया माइनस डी सी वन बाय डी टी माइनस एल एन डी सी टू बाय डी टी। ओके, और ये हो गया एल एन सी वन माइनस एल एन सी टू। ओके, तो ये हुआ फाइनल हमारा फॉर्मूला रेट सॉरी ऑर्डर निकालने के लिए डिफरेंशियल मेथड को यूज करते हुए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप आराम से एक रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर आपको उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम दे रखा हो तो। क्लियर है इतना? ओके, तो ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हमने पढ़ा है, सेकंड मेथड यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हाफ लाइफ मेथड है। ओके, सेकंड हाफ लाइफ मेथड, या फिर इसे बी कह दो हाफ लाइफ मेथड। हालांकि हम हाफ लाइफ मेथड ऑलरेडी जो है सॉरी हाफ लाइफ कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम हर तरह की ऑर्डर की रिएक्शन के लिए पढ़ चुके हैं, जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो वो नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, अगर नहीं पता है आप
तो वापस से जो है वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो कि आपने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए किस तरह से हाफ लाइफ डिटरमाइन किया था। ओके, तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर उसके बाद जितनी भी ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जैसे सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, तो उसमें जो है आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसके बेसिस पे आप इक्वेशन को जनरलाइज कर सकते हैं हाफ लाइफ के लिए। ओके, हर केमिकल रिएक्शन की तरह हम यहाँ पे लिखते हैं कि कोई रिएक्टेंट लिया हमने और उससे कोई प्रोडक्ट बना है, राइट। अब किसी कंसेंट्रेशन C1 पर अगर आप टी हाफ चेक करते हो तो आप उसे टी हाफ वन दे दो, और हम कह रहे हैं कि टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन की पावर माइनस कंसेंट्रेशन की पावर एन माइनस वन के। ये हमारा क्या है, एक जनरल सी इक्वेशन है टी हाफ निकालने के लिए। हालांकि सब केस में ऐसा नहीं होता, पर सेकेंड ऑर्डर के बाद जितने भी ऑर्डर की रिएक्शन होंगी उनके लिए जो अगर आपको हाफ लाइफ चेक करना है तो आप सिंपली कह सकते हो कि टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/C^n-1 के, ठीक है। यानी कि अगर आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ निकालना है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आप कह सकते हो कि सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ निकालने के लिए उसकी कंसेंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगी उसकी टी हाफ। थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना है तो आप कहेंगे कि उसकी कंसेंट्रेशन की पावर 2 के इनवर्स के बराबर होगी यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर कहे कि फोर्थ ऑर्डर के लिए आपको टी हाफ चेक करना है तो वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के किस तरह से रिलेशन में होगी, तो वो होगा यहाँ पे 1/C^3। तो उस हिसाब से हम जो है वो जनरलाइज करते हैं, ठीक है। जबकि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है, जीरो ऑर्डर के लिए 1/A/2K के बराबर होती है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर कहे तो किसके बराबर होती है, 0.693/K के बराबर। तो ये दोनों केस जो है वो अलग है, पर उसके बाद के केस जो है वो जनरली इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने जनरलाइज्ड जो हाफ लाइफ है वो यहाँ पे लिखी है क्योंकि वो मैक्सिमम केस में अप्लाई होता है, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इनिशियली अगर कंसेंट्रेशन हमने रिएक्टेंट की C1 ले रखी है तो हाफ लाइफ को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कंसेंट्रेशन के साथ। और अगर दूसरे केस में अगर हमने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन C2 ले रखी है तो आप कहेंगे कि उसकी हाफ लाइफ कुछ इस तरह से कंसेंट्रेशन के साथ रिलेट होगी, राइट। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से जब डिवाइड करते हो तो एक मिनट, टी हाफ लिखेंगे, राइट, टी हाफ 1, टी हाफ 2। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, अच्छा पहले से ही हटा दो ताकि आपको इजीली रुकू में, एक बार वापस से लिख देती हूँ इसे, थोड़ा सा मिस्टेक, क्या मिस्टेक तो नहीं हुई है, फिर सही से लिखती हूँ इसे, डायरेक्टली लिख लिया हमने टी हाफ 1। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटते ही कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे एन माइनस 1। तो ये इक्वेशन नंबर 3 लिख लो इसे, और ये हो गया हमारा टी हाफ 2, और ये के प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है यहाँ पे, तो ये हमने लिख दिया C2, और ये सॉरी n-1, ये इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर को 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करने पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखा हमने, केस केस तो कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे भी, कोई उसका मतलब नहीं है, और टी हाफ C1 n-1 और C2 n-1, यहाँ पे क्या होगा, ये अपॉन में है नीचे आ जाएगा, और ये अपॉन में है तो ये इसके रिवर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2 n-1 / C1 n-1। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे, टी हाफ 1/T^2 इज इक्वल टू, दोनों की ही पावर सेम है n-1 n-1,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी टू बाई सी वन एन माइनस वन। ओके ये लिख दिया राइट। अब हमें क्या करना है, इसे दे दो इक्वेशन नंबर फाइव राइट। अब इक्वेशन नंबर फाइव के दोनों तरफ लॉग लेने पर, नेचुरल लॉग लो यहाँ पे टी हाफ वन बाय टी हाफ टू, और ये नेचुरल लॉग जैसे ही लोगे लॉग लेते हैं तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये लिख लिया हमने पावर आगे आ गई, ये सी वन बाय सी टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर सिक्स हो गई। ठीक है, हमें तो क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है यानी कि एन निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये मल्टीप्लीकेशन में जो एल एन सी वन बाय सी टू है, सॉरी सी टू बाय सी वन है, ठीक है, उसे बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, जो भी हमने इक्वेशन यूज करते हैं एल एन ए बाय बी के लिए, क्या करते हैं एल एन ए माइनस एल एन बी, उस हिसाब से इसे भी यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं टी हाफ वन माइनस एल एन टी हाफ टू, और ये जो एल एन सी टू बाय सी वन इधर आ रहा है उसे भी लिख लेती हूँ मैं डायरेक्ट एल एन सी टू माइनस एल एन सी वन। तो इधर क्या बचा बराबर के, सिर्फ एन माइनस वन, यहाँ पे क्लियर है इतना, एन माइनस वन बचा है। ये माइनस वन को आप क्या कर सकते हो, बराबर के उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस वन, और ये प्लस एल एन टी हाफ माइनस एल एन टी हाफ टू बाय एल एन सी टू माइनस एल एन सी वन। क्लियर है इतना। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो हाफ लाइफ मेथड यूज करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ मेथड कहते हैं राइट। आपके पास बस टी हाफ की वैल्यू हो, हाफ लाइफ निकालना सबको आता है, हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू अगर आपके पास ऑलरेडी है दोनों ही कंसंट्रेशन के केस में, और दोनों ही कंसंट्रेशन दी गई है, तो आप आराम से उनका लॉग लेके सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकेंड वाला मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड वाला मेथड, उसमें देखते हैं हम कि ये देखो यहाँ पे थर्ड है आपका इंटीग्रेशन मेथड। ओके, इंटीग्रेशन मेथड में हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। इंटीग्रेशन मेथड बेसिकली क्या होता है, जो भी हमने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ी, जो भी हमने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा या फिर सेकेंड ऑर्डर के लिए पढ़ा, उन सब में हमने क्या किया है, हमने के की वैल्यूज निकाली है वहाँ पे। ठीक है, और के की वैल्यू निकालते टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि पूरे डेरिवेशन के दौरान हमने इंटीग्रेशन लिए थे, है ना, पूरे डेरिवेशन के दौरान हमने बहुत जगह इंटीग्रेशन लिए थे। तो वो जो इंटीग्रेशन हमने लिए और उन इंटीग्रेशन को लेने के बाद जो हमने रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला डिटरमाइन किया, उस फॉर्मूले को यूज करके आप अगर एक रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करते हैं तो आप उसे इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। अब हीट एंड ट्रायल क्यों कहते हैं, देखो एक मिक्सर लिया मान लो आपने, ठीक है, और रिएक्शन मिक्सर लिया है। अब होता क्या है कि आप अलग अलग टाइम पे जैसे T1, T2, T3, T4, ठीक है, अलग अलग टाइम पे जो है वो रीडिंग लेते हैं, अलग अलग टाइम पे रीडिंग लेते हैं, और अलग अलग टाइम पे ली गई रीडिंग, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं लिख रही हूँ 2.303, ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ए बाय ए माइनस एक्स। अब आप क्या करते हो, T1 पे आपने K1 निकाला, T2 पे आपने K2 निकाला, T3 पे आपने K3 निकाला, T4 पे आपने K4 निकाला, ठीक है, और जब ये सब आप निकाल रहे हैं K की वैल्यू, उस समय ये वाली वैल्यूज भी तो चेंज हो रही है। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगी, वो आपको रीडिंग से मिलेगी, ये वैल्यू इनिशियली तो आपको पता होगा ये वाली वैल्यूज आपको रीडिंग से मिलेगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि बार बार आप जितने भी K1, K2, K3, K4, ठीक है, निकाल रहे हो एक रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला यूज करके, मान लो आपने जो भी वैल्यूज निकाले, रीडिंग निकाली, पहले आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के K फॉर्मूले में पुट करी और उसमें चेक किया कि K1, K2, K3, K4 सारी वैल्यूज अगर सिमिलर आ रही है, क्या सारी वैल्यूज अगर सिमिलर आ रही है लगभग, तो आप कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर सिमिलर नहीं आ रही तो उन रीडिंग्स को आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑर्डर
काइनेटिक्स क्या जो के का वैल्यू फॉर्मूला था उसमें पुट करते हो, जैसे कि इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हो, फिर देखते हो कि K1, K2, K3 की वैल्यू सिमिलर आ रही है क्या। ठीक है, अगर वहां पर भी सिमिलर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो फिर उन्हीं रीडिंग को आप जो है वो किस में पुट करते हो, वापस से सेकेंड ऑर्डर के रेट कॉन्स्टेंट के फॉर्मूलाज में पुट करते हो, फिर वापस चेक करते हो K1, K2, K3 की वैल्यू सिमिलर आ रही है क्या। ठीक है, तो जिस फॉर्मूला में, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, जिस भी ऑर्डर की रिएक्शन के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आपको K1, K2, K3 वगैरह जितने भी टाइम में आप रिएक्शन दे रहे हो उनकी वैल्यू सिमिलर मिलती है लगभग, तो आप कहेंगे कि दी हुई रिएक्शन या फिर जो भी हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पता नहीं चल रहा, आप बार बार जो है वो ट्राई कर रहे हो अलग अलग फॉर्मूला रीडिंग को यूज करते हुए, ताकि आपको के की वैल्यू सिमिलर दिखे। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर फाइनली आपको जहां पे भी के की वैल्यू सिमिलर मिलती है, आप कहते हो वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसलिए आप इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो इसे आप इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए इंटीग्रेशन लिए गए थे। और फिर हिट एंड ट्रायल भी कहते हैं, क्योंकि बार बार अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन का फॉर्मूला यूज करके आप के वैल्यू निकालते हो और फिर उन्हें चेक करते हो, अगर सिमिलर आ रहे हैं तो उस ऑर्डर की रिएक्शन में, नहीं आ रही है तो अगला वाला ट्राई करो। ठीक है, तो इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड इसलिए कहते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको, राइट। थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो मैं एक बार से रीडिंग लगा लेती हूँ कि इन दिस मेथड द रिएक्शन मिक्सचर टेकन इनटू अकाउंट द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन बाय द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। ठीक है, अलग अलग टाइम इंटरवल पर जो भी रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है उसके अमाउंट को चेक करके, या फिर अमाउंट को रीडिंग, जो भी अमाउंट रीडिंग से आपको अमाउंट पता चलता है उसके आधार पर जो है एक रिएक्शन का प्रोग्रेस आप चेक करते हो। ठीक है, और उसे चेक करने के लिए आप देखते हो कि दीज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर पुट इनटू अ इंटीग्रल इक्वेशन, जो भी मैंने बताया आपको, जो भी के रेट कांस्टेंट की वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए जो भी फॉर्मूला है उसमें आप वो वैल्यूज पुट करते हो और फिर चेक करते हो के की वैल्यू को कैलकुलेट करके और डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। ठीक है, अगर वो सेम आता है तो या फिर स्टेबल रहता है तो आप कहते हो कि वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए से हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिमिटेशन क्या है इस ऑर्डर की, इस मेथड की लिमिटेशन देखो, एक्सप्लेन करते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी बार ट्राई करोगे और ट्राई करने में टाइम लगता है ना। तो ये इसकी कमी है, इस ऑर्डर की रिएक्शन की, सॉरी इस मेथड की कमी है कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ओके, एक किसी भी रिएक्शन के का ऑर्डर पता करना है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इतना आप कुछ ट्राई करते करते। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑन वेरी कॉमन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर जो है ये एप्लीकेबल नहीं है मेथड, जो नॉर्मल से साधारण सी अभिक्रियाएं होती हैं बस उन्हीं पर एप्लीकेबल है। ओके, तो इसलिए जो है ये मेथड जनरली जो है वो बड़े लेवल पे यूज नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कॉमन रिएक्शन पर एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, लास्ट मेथड आपका बचता है आइसोलेशन मेथड, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।